हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है, और वो जिस कदर नरमी पर अता करता है वो सख्ती पर अता नहीं करता, ना उसके अलावा किसी और चीज़ पर अता करता है। और मुस्लिम ही की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, नरमी इख्तियार करो, सख्ती और बदज़बानी से इज्तनाब करो, बेशक जिस चीज़ में नरमी होती है तो वो उस चीज़ को मुज़य्यन कर देती है, और जिस चीज़ से उसे निकाल लिया जाता है तो वो उसे ऐबदार बना देती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे रब ने मुझे मेराज कराई तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुज़रा जिनके नाखून तांबे के थे, वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने कहा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे, उनकी गिबत किया करते थे और उनकी इज्जतों के मुतल्लिक ऐब जोई करते थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और बाआवाज़ बुलंद फरमाया, ऐ लोगों, जो अपनी ज़बान से इस्लाम लाए हो जबकि ईमान उनके दिलों तक नहीं पहुंचा, तुम मुसलमानों को तकलीफ मत पहुंचाओ और ना उन्हें आर दिलाओ और ना ही उनके अयूब तलाश करो, क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के अयूब तलाश करता है तो अल्लाह उसके अयूब का पीछा करता है, और जिसके अयूब का अल्लाह पीछा करता है तो वो उसे रुस्वा कर देता है, ख्वाह वो अपने घर के वस्त में हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़ायद तरके ताल्लुक करे। जिस शख्स ने 3 दिन से ज़ायद तरके ताल्लुक तोड़े रखा और वो इसी हालत में फौत हो गया तो वो जहन्नम में जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। तुम किसी के ऐब मत तलाश करो और ना ही जासूसी करो, कीमत बढ़ाने के लिए बोली मत दो और ना बाहम हसद करो, बुग़्ज़ मत रखो और ना क़त्अ ताल्लुक करो, और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। एक दूसरी रिवायत में है, और हसद की बिना पर बाहम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। हज़रत अस्मा बिनत यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 मौका पर झूठ बोलना जायज़ है, आदमी का अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना, लड़ाई में झूठ बोलना और लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना,